अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, आपके साथ। आज मैं शेयर करूँगी तरबेला की ब्यूटी, तरबेला डैम का विज़िट कराऊँगी आपको। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को इंजॉय करिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस आप इंजॉय करें इस ब्यूटीफुल नेचर को। तरबेला डैम जा रहे हैं और मैं आपको रास्ते में कुछ ग्रीनरी और ये पहाड़ सब दिखाऊंगी, तो आप देखिए और एंजॉय करें।
आपको दिखाऊंगी, दूर से ही आप इसको इंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है नीचे उतर कर पिक्स बनाना। तो हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पर, फिर हम रुकेंगे। और ये है स्पिलवे साइड यहाँ पे। तो आज तो स्पिलवे नहीं खोला, हवाई बैड लक थी और आपकी भी कि आपको मैं ये दिखा नहीं सकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी स्पिलवेज और टनल ऑन होंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो खूबसूरत मंज़र, वो कुछ अलग ही मंज़र होता है, बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, आप ये पहाड़ और डैम जो है इसको इंजॉय करें। कितने खूबसूरत से ग्रीन पहाड़ और नेचर जो है, अल्लाह ताला का जो है ना, जितनी भी हम उसका शुक्र अदा करें तो कम है। कितनी खूबसूरती जो है हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और इतना ज़बरदस्त जो है हमारा इन्वायरमेंट अल्लाह ताला ने बनाया है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ का। पिक्स बनाएंगे और आपके साथ शेयर करूंगी मैं। यहाँ पर एक तरबेला मैप जो बना हुआ है, डैम का जो मैप है इंडस रिवर, और वो सब उस पर शो किया हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये व्यू पॉइंट है यहाँ पर। और ये है वो मैप, तो हम जाएंगे। और ये देखिए, इसमें पहाड़ और रिवर सब बना हुआ है, जो टनल है यहाँ पे, हर एक चीज़ को इन्होंने प्रॉपर शो किया हुआ है इस मैप में। चलते हैं एक न्यू व्यू पॉइंट पे, आपको लेके जाते हैं।
की तरफ और आप देखें और इन्जॉय करें। और यकीनन आपका भी कर रहा होगा दिल ऐसे खूबसूरत जगह पर आने का, लेकिन यहाँ पर परमिशन जो होती है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है। बग़ैर रेफरेंस के आपको मिलेगी नहीं यहाँ पर आने की इजाज़त। आते हैं एक दूसरे व्यू पॉइंट पर जहाँ पे स्पिलवेज आपको नज़र आएंगी। और फिलहाल स्पिलवेज जो है यहाँ पर बंद है क्योंकि डैम में पानी कम है, और जब ये खुलते हैं स्पिलवेज तो बहुत ही मज़ा आता है। आप इसका पानी जो होता है इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपके मुंह पर इसकी जो चींटे पड़ रही होती है, और बहुत ही मज़ा आता है गर्मियों में यहाँ पर आके। लेकिन जब स्पिलवेज ऑन हो तब, वैसे आम दिनों में जो होते हैं यहाँ पर धूप बहुत तेज़ होती है तो इतना मज़ा नहीं आता, बस आपको व्यूज़ ही नज़र आएंगी। लेकिन वो जो ठंडक वाला मज़ा होता है ना वो तब जब स्पिलवेज ऑन होती है। चलते हैं डैम को, करते हैं बाय बाय। और जो ये सनसेट का टाइम है बहुत ही खूबसूरत इसका मंज़र होता है और मुझे बहुत ही पसंद है। तो अब आते हैं एक दूसरी जगह, मैं आपको एक दूसरे व्यू पॉइंट पर लेके आई हूँ बैराज साइड पर। और यहाँ पर हम करेंगे बोटिंग, और बोट में हम बैठ गए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर भी, लेकिन मैं इंजॉय भी कर रही हूँ ये जो सनसेट का टाइम है और साथ में ही ठंडी ठंडी हवा। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी वीडियो पसंद है।
और पसंद आई है तो थम्स अप करना ना भूलेगा। मैं तो कर रही हूँ अपनी बोटिंग को एंजॉय, और आप भी करें एंजॉय मेरे साथ वीडियो में को देख के। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसे लगा आपको तरबेला। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।